हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कैबिनेट विस्तार के बाद गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को हरियाणा पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। रिपोर्ट देखिए। अनिल विज अपने काम के स्टाइल को लेकर लगातार चर्चाओं में बने रहने वाले और गब्बर कहे जाने वाले मंत्री हैं। शनिवार शाम को वे अचानक से अपने ही स्टाइल में पानीपत सिटी थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। विज ने थाने में रिकॉर्ड और तमाम व्यवस्थाओं को देखा और सभी की हाजिरी ली। एक महिला सब इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद नहीं मिली तो उसे तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन मंगलवार को विज ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पहली बैठक की और कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारियों और रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा पुलिस के मॉडर्नाइजेशन को अहम बताया और टीवी सीरियल सीआईडी जैसा थाना हर जिले में होने की बात कही। पुलिस को लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ अत्याधुनिक करने पर अनिल विज ने जोर देते हुए कहा कि पुलिस विभाग की कार्यशैली में तब्दीली होनी चाहिए। तो वहीं फोरेंसिक लैब में लंबित केसों की संख्या घटने को भी अनिल विज ने बड़ी उपलब्धि बताया। नशे, अवैध शराब, जुआ, मेडिकल और सट्टे पर तुरंत प्रभाव से पुलिस विभाग को प्रहार करने के आदेश दिए गए और पुलिस महकमे की पूरी रिपोर्ट भी अनिल विज ने खंगाली। मैं होम मिनिस्टर बना हूँ, मेरे पास शिकायतों की बाढ़ लग गई, बाढ़ आ गई। मेरा ईमेल सारा भर गया है और मेरे घर पर और मेरे दफ्तर पर दरखास्तें देने वालों की लाइन लग गई है। उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि हम हर शिकायतकर्ता को इंसाफ दिलाएंगे, उसके साथ साथ अगर उसमें किसी की ढिलाई हुई है, अगर किसी ने उसमें कोताही बरती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई जानबूझ के किसी के केस को डिले कर रहा है, जैसा मैंने कुछ केसेस में देखा है, तो उसको भी हम करेंगे। हर आदमी को इंसाफ मिले, ये हमारी प्रायोरिटी है। धन्यवाद। गौरतलब है कि मंत्री बनते ही विज कह चुके थे कि गब्बर इज बैक। उन्होंने ये भी कहा था कि वे अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे और कहा था कि मेरा काम करने का जो तरीका पहले था वो अब भी रहेगा। तो देखना होगा कि अनिल विज के काम करने के तरीके से विभागों में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।